नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज अपन देखिए प्रकृति भाव संधि पढ़ेंगे। कौन संधि? प्रकृति भाव। अपन ने बाकी संधियां पढ़ ली थी स्वर संधि की, अब अंतिम संधि जो शेष रही है प्रकृति भाव। तो दोस्तों पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों चलते अपन प्रकृति भाव संधि के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसके सूत्र की बात कर लेता हूँ, जो संधिकार ये सूत्र है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? देखो पलुत, पलुत, प्रज्ञ, पलुत प्रज्ञ, पलुत प्रज्ञा अचि नित्यम, अचि नित्यम, अचि नित्यम, ये इनका क्या हो गया? सूत्र हो गया पलुत प्रज्ञ अचि नित्यम। ठीक है ना, पलुत प्रज्ञा अचि नित्यम ये इसका सूत्र हो गया। अब इसकी मैं वर्ती की बात करूं कि सूत्र का अर्थ क्या हुआ, तो आजकल वर्तियां पूछते हैं ज्यादा। तो वर्ती की बात करें तो पलुता, पलुता प्रज्ञा प्रज्ञाश्च, पलुत्ता प्रज्ञाश्च वक्षयन्ति, वक्षयन्ति, वक्षयन्ति तेचि, तेचि परे नित्यं, परे नित्यं, परे नित्यं प्रकृत्या, प्रकृत्या स्यु, प्रकृत्या स्यु। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो पलुत्ता प्रज्ञाश्च वक्षयन्ति ते यचि परे नित्यं प्रकृत्या स्यु। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो पलुत स्वर, पलुत हो, पलुत स्वर या प्रज्ञ कह सकते हैं इसको, प्रज्ञ, प्रज्ञक। ठीक है, संज्ञक एक तरफ क्या हो, पलुत या प्रज्ञ संज्ञक हो। ठीक है, प्रज्ञ संज्ञक। प्लस में क्या है, कोई भी स्वर, कोई भी, कोई भी स्वर आए। ठीक है, एक तरफ पलुत स्वर या प्रज्ञ संज्ञक जिसको कह सकते हैं, और प्लस में क्या हो, कोई भी स्वर हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होगा। इधर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो पलुत अथवा प्रज्ञ जहां पर दिखाई दे, वो क्षेत्र का मतलब दिखाई दे, और उसके बाद में अचि, अचि का मतलब अचि परे नित्यम, कि बाद में क्या हो, अच हो, अच का मतलब कोई भी स्वर हो, तो उसमें क्या होती है, प्रकृति भाव संधि होती है। उसमें कौन संधि हो जाएगी, प्रकृति भाव संधि, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जैसे उदाहरण आ गया, उदाहरण की बात करें, जैसे आ गया यथा उदाहरण, जैसे ए ही कृष्ण है, ए ही कृष्ण है। अब देखो इसके ऊपर आपको ऐसे हिंदी में तीन लगा हुआ मिलेगा, हिंदी में तीन, तो इसको बोलते हैं पलुत, पलुत स्वर बोलते हैं। जैसे स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और पलुत, और पलुत के ऊपर क्या है, ऐसा तीन जो हिंदी का होता है वो लगा होता है। तो यही कृष्ण है प्लस अत्तर गोश्चरती, गोश्चरती, जैसे ये आ गया। ठीक है, अत्तर गोश्चरती, यही कृष्ण है प्लस, देखो यहाँ पर क्या हो गया, पलुत हो गया या प्रज्ञ संज्ञक जिसको हम कहते हैं, तो ये ऊपर तीन का जो चिन्ह है वो लगा मिलेगा आपको। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, कोई भी स्वर, जैसे ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि अपन क्या बना देंगे, ए ही कृष्ण अत्तर, अत्तर गोश चरती,
तो दोस्तों प्रकृति भाव संधि में कोई परिवर्तन नहीं करना आपको, जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। तो ये थी अपनी प्रकृति भाव संधि। अब देखो इसका एक सूत्र और है, वो आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना, ज्यादातर उदाहरण उन्हीं के पूछते हैं। जैसे आ गया ई दू देद, इदु देद, द्विवचन, ये महत्वपूर्ण है, द्विवचन द्विवचनम प्रज्ञम, प्रज्ञम ये महत्वपूर्ण है। देखो इसकी वर्ती की मैं बात करूं, इसका अर्थ क्या होता है, देखो वर्ती, ठीक है, इदु देंते, इदु दे दंते, इदु दे दंतम, द्विवचनम द्विवचनम प्रज्ञम स्यात्, प्रज्ञम स्यात्, ये हो जाएगा। देखो ये इसकी वर्ती है। देखो ई, इसमें देखो ई इदंत, इदंत इसको कहते हैं, ठीक है, फिर ऊ का उदंत और फिर एदंत, ये आपको मिलेंगे किसमें, द्विवचन के साथ में, द्विवचन के साथ में ये मिलेंगे, और बाद में भी क्या मिलेगा, द्विवचन, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। जैसे आपको ध्यान में रखना, ऐसे उदाहरण आ गया, जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता हूं, जैसे उदाहरण आ गया हरि एतो, हरि प्लस एतो, ठीक है, हरि एतो, देखो री आ गया, री में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, और हरि हरि ये द्विवचन है, एतो क्या है, द्विवचन है, दोनों ये किस में मिल रहे हैं, द्विवचन में मिल रहे हैं, हरि 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 हरिये, जैसे हरि द्विवचन है तो ई आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ई इदंत उदंत और एदंत ये मिलेंगे आपको, ई ऊ और ए मिलेंगे, ई आ रहा है यहाँ पर, और ये द्विवचन में और ये भी द्विवचन में, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस में मिलेंगे, द्विवचन में मिलेंगे, कहाँ पर, द्विवचन में, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, संधि विच्छेद का संधि शब्द बना देंगे हरि एतो, हरि एतो, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी प्रकार से जैसे आ गया, जैसे आ गया मान लीजिए लते प्लस एते, लते प्लस एते, देखो ए आ गया, ठीक है, आगे क्या आ रहा है, एते द्विवचन में आ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, लते एते बना देंगे, संधि शब्द में भी आपको पता लग जाएगा द्विवचन में आ रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे आ गया विष्णु, विष्णु प्लस इमो, ठीक है, विष्णु प्लस इमो आ गया, ठीक है, आई एम इमो द्विवचन में है, इधर विष्णु, विष्णु द्विवचन में है, दोनों द्विवचन में, इधर ऊ आ रहा है, देखो ऊ आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, तो वापिस क्या कर देंगे, विष्णु इमो बना देंगे, विष्णु इमो बना देंगे, ठीक है, ये बन गया। उसी प्रकार से अपन देखेंगे, देखो इसी प्रकार से अगर आगे उदाहरण देखें, जैसे आ गया साधु प्लस इमो, साधु प्लस इमो आ गया, तो देखो इमो द्विवचन में आ गया, इधर साधु द्विवचन में आ गया, यहाँ उकारांत आ गया, उदंत आ गया, तो वापस क्या कर देंगे, साधु और इमो कर देंगे, साधु इमो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कहने का मतलब ये, प्रकृति भाव संधि में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस एक तो ये ध्यान रखना है, यहाँ एक तो पलुत, ठीक है, या प्रज्ञ संज्ञक आए और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो उसमें प्रकृति भाव संधि हो जाएगी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर द्विवचन और ये भी द्विवचन में आपको मिलने वाला है, और ये जो द्विवचन वाला है इसमें यहाँ पर ई ऊ ओ ए मिलेंगे, ठीक है, ई ई दू में से ऊ निकल गया और ए ये मिलेंगे आपको, इदंत उदंत और एदंत ये मिलेंगे द्विवचन के साथ में, और बाद में भी आपको द्विवचन वाला शब्द मिलने वाला है, तब आपको क्या करना है, यहाँ प्रज्ञ संज्ञक माने जाते हैं, मतलब प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो एक और इसमें महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देता हूँ, कई बार वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये मैं मिटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आ गया एक सूत्र है
निपात, निपात ठीक है, एक का जनांग, निपात एक का जनांग, ये एक सूत्र है ठीक है। इसकी अगर वर्ती की बात करूं तो देखो वर्ती इसकी हो जाएगी एक को यही जिनिपात, एक को जिनिपात आंग वर्जय, आंग वर्जय, आंग वर्जय प्रज्ञ स्यात्, प्रज्ञ स्यात्, ये इसकी वर्ती हो गई ठीक है। वर्ती कैसी हुई, एकोन ये निपात आंग वर्जय प्रंगे स्यात, ये इसकी क्या हो गई, वर्ती हो गई। जैसे आ गया इसमें आंग के अतिरिक्त, आंग वर्जय का मतलब होता है आंग के अतिरिक्त, आंग के अतिरिक्त, अतिरिक्त आंग के अतिरिक्त, एक स्वर वाले, एक स्वर वाले, एकोन ये निपात एक स्वर वाले, एक स्वर वाले, अन्य, अन्य सभी निपात, अन्य सभी निपात, निपात प्रज्ञ संज्ञक माने जाते हैं, प्रज्ञ संज्ञक माने जाते हैं, संज्ञा के माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि आंग वर्ज्य आंग को छोड़कर के इसके अतिरिक्त एक स्वर वाले अन्य सभी निपात है वो क्या माने जाते हैं, प्रज्ञ संज्ञा, मतलब उसमें प्रकृति भाव संधि मानी जाती है। जैसे आ गया उदाहरण ई प्लस इंद्र ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्या बन जाएगा ई इंद्र, ये ध्यान रखना दोनों तरफ क्या होगा, एक स्वर होगा इसके अंदर, एक ही स्वर होंगे ई ई ई ई ई इंद्र ठीक है। उसी प्रकार आ गया उ इंद्र, उसी प्रकार क्या आ गया उ इंद्र आ गया, या उ उमेश आ गया, उ प्लस उमेश है, उमेश है तो क्या बन जाएगा उ उमेश है, उ उमेश है, ये बन जाएगा ठीक है। तो इसमें कौन संधि हो जाएगी, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। तो निपात एकांजांग ये सूत्र है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, उ उमेश ई इंद्र, ये दो उदाहरण है इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखने। तो ये थी प्रकृति भाव संधि, अगले वीडियो में अपन व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।